हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल जूलॉजी क्लब में आप सबको स्वागत करती हूँ। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है इकोनॉमिक जूलॉजी सेरिकल्चर चैप्टर के अंदर। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर वो है डिफरेंस ऑफ बॉम्बिसिडी एंड सैचुरिटी, मतलब ये जो बॉम्बिसिडी फैमिली होता है और जो सैचुरिटी फैमिली होता है इसमें जो डिफरेंस होता है उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं बॉम्बिसिडी फैमिली से। फर्स्ट पॉइंट, एंटेनी पेक्टिनेट। ये जो बॉम्बिसिडी फैमिली होता है इसका जो एंटेनी होता है वो पेक्टिनेट होता है, लेकिन जो सैचुरिनेटी फैमिली होता है उसका एंटेनी बाइपेक्टिनेट होता है। सेकेंड पॉइंट, बॉम्बिसिडी फैमिली का कोई आई स्पॉट नहीं होता है, लेकिन सैचुरिनेटी फैमिली का एक ट्रांसपेरेंट आई स्पॉट होता है। वो कहाँ पे होता है? नियर द सेंटर ऑफ ईच विंग। वहाँ पे जो विंग होता है उसका सेंटर पे ट्रांसपेरेंट आई स्पॉट प्रेजेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ बॉम्बिसिडी कंपेरेटिवली स्मॉल, मतलब ये जो बॉम्बिसिडी फैमिली का सिल्कवर्म होता है और जो सिल्क मॉथ होता है उसका जो साइज़ होता है वो नेचुरली सैचुरिनेटी फैमिली से थोड़ा सा छोटा होता है। लेकिन थर्ड पॉइंट पे इनके सब सैचुरिनेटी कंपेरेटिवली लार्ज एंड स्टाउट। ये जो सैचुरिनेटी फैमिली होता है वो नेचुरली बॉम्बिसिडी फैमिली से थोड़ा सा बड़ा होता है और वो स्टाउट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ सिल्क मॉथ बेस्ड ऑन वोल्टिनिज्म। वोल्टिनिज्म रेफर्स टू द नंबर ऑफ कंप्लीट लाइफ साइकिल्स और जेनरेशंस पर ईयर। ये जो वोल्टिनिज्म होता है ये क्या होता है? पर ईयर पे एक वर्म का, नहीं तो एक मॉथ का जो लाइफ साइकिल कंप्लीट्स होते हैं वो एक बार हो सकता है, नहीं तो दो बार हो सकता है और उससे भी ज़्यादा हो सकता है, इसको ही हम वोल्टिनिज्म कहते हैं। दैट आर द नंबर ऑफ ब्रूड्स रेस्ड पर ईयर। ये क्या होता है? पर ईयर पे जो नंबर ऑफ ब्रूड्स फॉर्मेशन होता है इसको ही वोल्टिनिज्म कहा जाते हैं। दिस आर यूनिवोल्टाइन्स, बाईवोल्टाइन्स एंड मल्टीवोल्टाइन्स। ये यूनिवोल्टाइन हो सकता है, बाईवोल्टाइन हो सकता है और उसके साथ साथ मल्टीवोल्टाइन भी हो सकते हैं। यूनिवोल्टाइन्स ये सिल्क वर्म है, दे प्रोड्यूस ओनली वन जनरेशन पर ईयर। ये नेचुरली एक ईयर पे एक ही जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं। द एग्स रिमेन इन ए डायपस कंडीशन टिल द नेक्स्ट स्प्रिंग। और इसका जो एग होता है वो ले होने के बाद नेक्स्ट स्प्रिंग तक डायपस कंडीशन पे रहते हैं। नेक्स्ट बाइवोल्टाइन्स, इसको सिल्क टू भी कहा जाते हैं। दे प्रोड्यूस टू जनरेशन पर ईयर। ये नेचुरली एक ईयर पे दो जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं। द फर्स्ट जनरेशन एडल्ट डेवलप फ्रॉम एग्स। इसका जो फर्स्ट जनरेशन होता है एडल्ट का ये नेचुरली एग से डेवलप करते हैं। हैच्ड इन स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग पे हैचिंग करते हैं। एंड प्रोड्यूस नॉन डायपोजिंग एग, और ये नॉन डायपोजिंग टाइप ऑफ एग प्रोडक्शन करते हैं। द सेकेंड जनरेशन एडल्ट डेवलप फ्रॉम दिस एग, और इसका जो सेकेंड जनरेशन एडल्ट होता है वो इस टाइप ऑफ नॉन डायपोजिंग एग से ले करते हैं। दे रिमेन डॉर्मेंट टिल द नेक्स्ट स्प्रिंग, और वो नेक्स्ट स्प्रिंग तक डॉर्मेंट कंडीशन पे ही रहते हैं। एग्जाम्पल ओक, तोशोर सिल्कवर्म एटसेट्रा। नेक्स्ट मल्टीवोल्टाइन्स, इसको सिल्क थ्री भी कहा जाते हैं। दे प्रोड्यूस मोर देन थ्री जनरेशन। ये नेचुरली थ्री जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं पर ईयर पे। दे आर वेल अडाप्ट टू ट्रॉपिकल कंडीशंस, और ये नेचुरली ट्रॉपिकल कंडीशंस पे वेल अडाप्टेड है। द एडल्ट्स ले नॉन डायपोजिंग एग्स, ये नेचुरली नॉन डायपोजिंग एग्स ले करते हैं। द लार्वी एंड कोकून आर कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज। इसका जो लार्वी होता है और जो कोकून होता है उसका साइज नेचुरली स्मॉलर है। दिस कोकून्स आर कमर्शियली ऑफ पुअर क्वालिटी। ये जो कोकून है वो नेचुरली पुअर क्वालिटी का सिल्क प्रोडक्शन करते हैं। एग्जाम्पल इंडिया तोशोर सिल्कवर्म, एरी मूगा सिल्कवर्म एटसेट्रा। फॉर ए स्पेशल नोट, मलबेरी सिल्कवर्म जो होता है वो यूनी बाई एंड मल्टीवोल्टाइन होते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डायपोज, मतलब डायपोज क्या होता है। डायपोज इज ए फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी। ये एक डॉर्मेंसी होता है जो एक स्पेशल फिजियोलॉजिकल स्टेट है। इट इज़ न्यूरोहार्मोनली मेडिएटेड डायनामिक स्टेट्स ऑफ लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये एक न्यूरोहार्मोनली मेडिएटेड डायनामिक स्टेट्स होता है जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी लो हो जाती है। एसोसिएटेड विद दिस आर रिड्यूस्ड मॉर्फोजेनेसिस, और इसमें क्या होता है? मॉर्फोजेनेसिस हो जाते हैं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं। इंक्रीज रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल एक्सट्रीमिस्ट, और ये जो डायपोज होता है ये डायपोज कंडीशन उस लार्वी को एनवायरमेंटल एक्सट्रीमिस्ट से जो रेजिस्टेंस पावर होता है
वो इंक्रीज़ कर देते हैं एंड ऑल्टर्ड और रिड्यूस बिहेवियरल एक्टिविटी, और उसके साथ साथ जो बिहेवियरल एक्टिविटी होता है उसको ऑल्टर्ड कर देते हैं, नहीं तो रिड्यूस कर देते हैं। इट इज़ अ स्लीप टाइम दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हाइबरनेशन, और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ स्लीप टाइम होता है जो हाइबरनेशन से डिफरेंट होता है। बिकॉज द ग्रोथ स्टॉप्स ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि इस टाइम पे ग्रोथ स्टॉप हो जाते हैं। ये हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, लाइफ साइकिल ऑफ मलबेरी सिल्कवर्म और नहीं तो बॉम्बिक्स मोरी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ बॉम्बिक्स मोरी। अब चाहे तो इस पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एडल्ट, द एडल्ट ऑफ बॉम्बिक्स मोरी इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड वाइट इन कलर। ये जो बॉम्बिक्स मोरी का एडल्ट होता है इसका लेंथ 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं और इसका जो कलर होता है वो वाइट होता है। ड्यू टू हैवी बॉडी एंड फीबल विंग्स फ्लाइट इज नॉट पॉसिबल बाय द फीमेल मॉथ। फीमेल मॉथ का जो बॉडी वेट होता है वो हैवी होता है और उसका जो विंग्स होता है वो फीबल होता है, इसलिए ये फ्लाइट नहीं कर सकते हैं। दिस मॉथ इज यूनिसेक्सुअल इन नेचर, इसका ये जो मॉथ होता है वो नेचुरली यूनिसेक्सुअल होता है नेचर पे एंड डज नॉट फीड ड्यूरिंग इट्स वेरी शॉर्ट लाइफ पीरियड ऑफ 2 to 3 days। और ये जो इसका जो लाइफ साइकिल होता है 2 to 3 days का, इस शॉर्ट लाइफ पीरियड में ये कुछ नहीं खाता है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन जस्ट आफ्टर इमरजेंस, इमरजेंस के बाद ही मेल मॉथ कॉपुलेट्स विद फीमेल फॉर अबाउट 2 to 3 hours। मतलब जस्ट इमरजेंस के बाद ही ये जो मेल मॉथ होता है वो कॉपुलेट करते हैं फीमेल मॉथ के साथ 2 से 3 घंटे के लिए, एंड इफ़ नॉट सेपरेट दे मे डाई आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ कॉपुलेटिंग विद फीमेल। और अगर कॉपुलेशन के बाद ये जो मेल मॉथ है ये अगर फीमेल मॉथ से सेपरेट नहीं हो सकते हैं तो वो वहाँ पे ही मर जाते हैं। एग लेइंग जस्ट आफ्टर कॉपुलेशन फीमेल स्टार्ट्स एग लेइंग विच इज़ कम्प्लीटेड इन 1 to 24 hours। कॉपुलेशन के जस्ट 1 से 24 hour के बाद ही वो फीमेल मॉथ एग ले शुरू कर देते हैं। एक मॉथ नेचुरली लेस अबाउट 400 to 500 eggs डिपेंडिंग अपन द क्लाइमेटिक conditions एंड द सप्लाई ऑफ फूड materials। नेचुरली एक मॉथ 400 से 500 एग ले करते हैं और वो डिपेंड करते हैं क्लाइमेटिक conditions और उसके साथ साथ सप्लाई ऑफ फूड materials के ऊपर। द एग लेइंग इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ क्लस्टर, और ये जो मॉथ होता है वो नेचुरली एक क्लस्टर पे एग ले करते हैं एंड कवर्ड विद जिलेटिनस secretions, और उसको एक जिलेटिनस secretions से कवर कर देते हैं। Which helps them in proper attachment, और ये जो जिलेटिनस secretion होता है वो naturally eggs को proper attachment से help करते हैं। Eggs, the eggs laid by the female moth are rounded and white in color। ये जो egg होता है उसका जो shape होता है वो rounded होता है और उसका जो color होता है वो white होता है। The weight of the newly laid 2000 eggs comes to about 1 gram with the increase in the time after laying। ये जो एग होता है अगर वहाँ पे 2000 eggs होता है तो कुछ टाइम जाने के बाद इस eggs का जो वेट होता है वो 1 gram के आसपास हो जाता है। Eggs becomes darker and darker day by day, और ये जो एग होता है इसका जो कलर होता है वो darker से darker होता रहता है day by day। 2 types ऑफ एग्स आर जनरली फाउंड, और यहाँ पे 2 type ऑफ एग पाए जाते हैं। एक है डायपॉज टाइप ऑफ एग, मतलब द डायपॉज टाइप ऑफ एग्स आर लेड बाई द सिल्क वर्म इनहैबिटिंग इन टेम्परेट रीजियंस। मतलब ये जो डायपॉज टाइप ऑफ एग होता है सिल्क वर्म का, ये नेचुरली टेम्परेट रीजियन पे, मतलब टेम्परेट रीजियन पे ये रहते हैं। और नॉन डायपॉज टाइप ऑफ एग, सिल्क वर्म बिलोंगिंग टू सब ट्रॉपिकल रीजियंस लाइक इंडिया ले नॉन डायपॉज टाइप ऑफ एग। और ये जो सिल्क वर्म होता है वो नेचुरली सब ट्रॉपिकल रीजन्स पे रहते हैं, मतलब इंडिया पे रहते हैं, और वो नॉन डायपॉज टाइप ऑफ एग ले करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हैचिंग, द एग्स आफ्टर 10 days ऑफ इंक्यूबेशन हैच इनटू ए लार्वा कॉल्ड एज कैटरपिलर्स। और ये जो एग्स होता है उसमें से हैचिंग होने के 10 दिन बाद जो लार्वा फॉर्म होता है उसको कैटरपिलर कहा जाते हैं। हैचिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ दिस सिल्क मॉथ्स लाइफ। ये जो हैचिंग होता है वो सिल्क मॉथ के लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। आफ्टर हैचिंग कैटरपिलर्स नीड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फूड बिकॉज दे आर वोरेसियस फीडर्स। और हैचिंग हो जाने के बाद ये जो कैटरपिलर्स होता है उसको बहुत सारे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल का प्रयोजन होता है क्योंकि ये एक वोरेसियस फीडर्स होता है। ई प्रॉपर सप्लाई ऑफ मलबेरी लीफ इज़ नॉट पॉसिबल, द डेवलपमेंट ऑफ कैटरपिलर वुड नॉट बी इन प्रॉपर कॉज। अगर वहाँ पे हम प्रॉपर सप्लाई ऑफ मलबेरी लीफ प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा, तो कैटरपिलर का जो डेवलपमेंट होगा वो वहाँ पे ही स्टॉप हो जाएगा, मतलब प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। समटाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ फूड मटेरियल यंग कैटरपिलर्स डाई कॉजिंग ग्रेट लॉस टू द सेरिकल्चर इंडस्ट्री। कुछ कुछ टाइम पे क्या होता है,
हम उनको प्रॉपर सप्लाई फूड मटेरियल नहीं दे सकते हैं तब वो यंग कैटरपिलर्स मर जाते हैं और जिसमें सेरिकल्चर इंडस्ट्री का बहुत लॉस हो जाते हैं। नेक्स्ट कैटरपिलर, द न्यूली हैच्ड कैटरपिलर वाज अबाउट 0.3 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये जो न्यूली हैच्ड कैटरपिलर्स होता है उसका लेंथ 0.3 सेंटीमीटर के आसपास हो जाते हैं एंड इज पेल योलोइश एंड वाइट इन कलर। और इसका जो कलर होता है वो नेचुरली पेल हो सकता है, नहीं तो योलोइश हो सकता है और नहीं तो वाइट हो सकते हैं। द कैटरपिलर्स आर प्रोवाइडेड विथ वेल डेवलप्ड मैंडिबुलर टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। ये जो कैटरपिलर्स होता है उसका जो माउथ पार्ट्स होता है वो वेल डेवलप्ड होता है और मैंडिबुलर टाइप भी होता है। Adapted to feeds easily on the mulberry leaves. और इस स्पेशल टाइप ऑफ माउथ पर्स होने की वजह से ये बहुत अच्छे से मलबेरी लीव्स खा सकते हैं। द कैटरपिलर इज 12 सेगमेंटेड। ये जो कैटरपिलर होता है वो 12 सेगमेंट का होता है एंड द एब्डोमिनल रीजन हैज 10 सेगमेंट्स हैविंग 5 पेयर्स ऑफ सीडोलेस। और इसका जो एब्डोमिनल रीजन होता है वो 10 सेगमेंट का होता है और वहाँ पे 5 पेयर्स ऑफ सीडोलेस होता है। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड विद ए स्मॉल डॉर्सल हॉर्न ऑन द एनल सेगमेंट। और क्या होता है, इसका जो डॉर्सल हॉर्न होता है वहाँ पे, और इसका जो एनल सेगमेंट होता है वहाँ पे डॉर्सल हॉर्न होता है। फास्ट इंस्टर लार्वा कैन फीड ओनली ऑन वेरी सॉफ्ट लीव्स ऑफ मलबेरी प्लांट्स। इसका जो फास्ट इंस्टर लार्वा होता है वो नेचुरली मलबेरी का वेरी सॉफ्ट लीव्स खाते हैं। एज दे आर वोरासियस फीडर्स दे ग्रो रैपिडली विच इज मार्क्ड बाई 4 माउंटिंग्स। और ये नेचुरली वोरासियस फीडर्स होता है इसलिए ये बहुत अच्छे से बहुत फास्ट रैपिडली ग्रो करते हैं। After first, second, third and fourth mounting, caterpillars get changed into second, third, fourth and fifth instar respectively. यहाँ पे first, second, third और fourth mounting के बाद ये जो caterpillars होता है वो naturally change हो जाता है और instar larvae पे form करते हैं। It takes about 21 to 25 days after hatching. और ये complete होने के लिए 21 से 25 days लग जाते हैं। वेट ऑफ द फुल ग्रोन कैटरपिलर वेरीज फ्रॉम 4 to 6 ग्राम। और इसका जो वेट होता है वो वेरी करते हैं, ये 4 ग्राम भी हो सकते हैं नहीं तो 6 ग्राम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट प्यूपा, द कैटरपिलर स्टॉप फीडिंग एंड मूव टूवर्ड्स द कॉर्नर एमोंग द लीव्स एंड सीक्रेट्स ए स्टिकी फ्लूइड थ्रू सिल्क ग्लैंड। ये जो कैटरपिलर होता है वो नेचुरली नहीं खाता है, ये खाना बंद कर देते हैं और इसके बाद ये लीव्स का एक टूवर्ड्स कॉर्नर पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके सिल्क ग्लैंड से स्पेशल टाइप ऑफ स्लिकी फ्लूइड सीक्रेट करते हैं। दे सीक्रेटेड फ्लूइड कम्स आउट थ्रू स्पिनर्ड। और ये जो फ्लूइड सिक्रेशन करते हैं वो नेचुरली स्पिनर्ड से आते हैं एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ लॉन्ग फाइन थ्रेड ऑफ सिल्क। और इसके बाद ये एक लॉन्ग फाइन थ्रेड ऑफ सिल्क फॉर्म करते हैं विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजियर टू द एयर, जो एयर के कॉन्टैक्ट पे आते ही हार्ड हो जाते हैं एंड रैप्ड अराउंड द बॉडी ऑफ द कैटरपिलर। और उसके बाद वो क्या करते हैं, इस जो सिल्क होता है उसको बॉडी के आसपास घुमा घुमा के कवर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए कवरिंग कॉल्ड एज कोकून। और उसको कोकून कहा जाते हैं। कोकून इज़ द वाइट कलर्ड बेड ऑफ द प्यूपा। ये जो कोकून होता है वो नेचुरली प्यूपा का वाइट कलर्ड बेड होता है हुज आउटर थ्रेड्स आर इरेगुलर वाइल द इनर थ्रेड्स आर रेगुलर। जिसका आउटर थ्रेड्स नेचुरली इरेगुलर होता है और जिसका इनर थ्रेड्स रेगुलर होता है। द लेंथ ऑफ कॉन्टिन्यूस थ्रेड सीक्रेटेड बाई ए कैटरपिलर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोकून इज अबाउट 1000 to 1200 meters। ये जो लॉन्ग थ्रेड होता है उसका जो लेंथ होता है वो नेचुरली 1000 से 1200 meter के आसपास होता है विच रिक्वायर्स 3 days टू कम्प्लीट। और ये जो कोकून फॉर्मेशन होता है इसको कम्प्लीट करने के लिए नेचुरली 3 दिन लग जाते हैं। यहाँ पे कोकून का पिक्चर दिया हुआ है जिसका अंदर एक प्यूपा भी है। द बाइंडिंग ऑफ थ्रेड्स राउंड्स द कोकून इज वेरी इंटरेस्टिंग। और ये जो कोकून बाइंडिंग का फॉर्मेशन होता है, कोकून बाइंडिंग का जो तरीका होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। द कॉन्स्टेंट राउंड मोशन ऑफ द हेड ऑफ द कैटरपिलर फ्रॉम वन साइड टू अदर एट द रेट ऑफ 65 times per minute। यहाँ पे कैटरपिलर का जो हेड होता है उसका कॉन्टिन्यूस एक कॉन्स्टेंट राउंड मोशन होता रहता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड एट द रेट ऑफ पर मिनट 65 times। नाउ द सिल्क वर्म प्यूपा इज कवर्ड विथ इन ए थिक ओवल वाइट और येलो सिल्कन कोकून। और उसके बाद ये जो सिल्कवर्म होता है लेकिन नहीं तो जो प्यूपा होता है वो खुद को कवर कर लेते हैं एक थिक ओवल वाइट और नहीं तो येलोइश सिल्कन कोकून से। द प्यूपल पीरियड लास्ट फॉर अबाउट 10 to 12 days। और ये जो प्यूपल पीरियड होता है वो नेचुरली 10
10 से 12 डेज तक चलते हैं एंड द प्यूपी काट द कोकून, और उसके बाद इसके अंदर जो प्यूपी होता है वो कोकून के एक साइड पे एक काट फॉर्मेशन करते हैं एंड इमर्ज इनटू द एडल्ट मॉथ्स, और उसके बाद जब वो एडल्ट मॉथ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं तब उस काट से ये बाहर पे इमर्ज हो जाते हैं। इमर्जेंस ऑफ इमागो ड्यू टू एक्टिवेट मेटामॉर्फिक चेंजेस ड्यूरिंग प्यूपल पीरियड द एब्डोमिनल स्यूडो लेग्स डिसअपीयर एंड टू पेयर्स ऑफ विंग्स डेवलप। मतलब क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे मेटामॉर्फिक चेंजेस होता है बहुत स्टेज पे, और ये प्यूपल पीरियड में ही होता है, और प्यूपल पीरियड में 10 सेगमेंट पे जो 5 स्यूडो लेग्स होता था वो इस लास्ट स्टेज पे डिसअपीयर हो जाता है, और उसके साथ साथ दो पेयर्स ऑफ विंग्स भी डेवलप हो जाते हैं। फाइनली ए होल इज फॉर्म्ड थ्रू व्हिच इज ए फीबल एडल्ट मॉथ स्क्वीजेस आउट ऑफ द कोकून, और फाइनली वो कोकून के अंदर एक होल फॉर्मेशन करते हैं और वहाँ से वो बाहर इमर्ज कर जाते हैं। फिर से एडल्ट मॉथ, द एडल्ट मॉथ विच इमर्ज फ्रॉम द प्यूपा इज इनकैपेबल ऑफ फ्लाइट ड्यू टू सेवरल सेंचुरीज ऑफ डोमेस्टिकेशन। ये जो एडल्ट मॉथ होता है वो नेचुरली बाहर पे आके फ्लाइट नहीं कर सकते हैं सेवरल सेंचुरीज ऑफ डोमेस्टिकेशन की वजह से। इट सर्वाइव्स फॉर 3 to 6 डेज, ये नेचुरली 3 से 6 दिन तक सर्वाइव करते हैं एंड डज नॉट फीड ड्यूरिंग दिस शॉर्ट लाइफ स्पैन, और इस शॉर्ट लाइफ स्पैन में ये नेचुरली फीड नहीं करते हैं, और ये नेचुरली इसका जो माउथ पर्स होता है वो भी फंक्शनल नहीं होता है, इसके वजह से भी ये फीडिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।